सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए और फ्रेश व्लॉग में। एक बार दोबारा से स्वागत है आपका इन जम्मू की वादियों में। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:54 हो चुके हैं और हम नहा धो के रेडी हैं एज यूजुअल और निकलने के लिए तैयार हैं हम अपनी आज की डेस्टिनेशन की ओर। और हमारा कमरा थोड़ा मैसी हो रखा है, उसको सेट करते हैं, ऑल सेट करके और निकलते हैं यहाँ से और मिलता हूँ मैं आपको गाड़ी में। सो गाइस, हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर और अभी मौसम ना खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, खतरनाक मौसम हो रहा है। ठीक है, झन्नाटेदार मौसम हो रहा है एकदम मस्त। और अभी थोड़ा अंधेरा है, गाड़ी की लाइट ज़्यादा देर जला के तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, थोड़ा सा उजाला हो जाए तब मैं आपसे रूबरू करता हूँ। अभी हम अपने रूम से चले थे और करीबन 5-7 किलोमीटर ही आए थे और यहाँ चेक पोस्ट दिख रहा है आपको पीछे, यहाँ पर इन लोगों ने जाने नहीं दिया। अभी ये कह रहे हैं कि 9 बजे छोड़ेंगे, अभी तो हम भाई 5 बज रहे हैं अभी। ठीक है, 4 घंटे यहाँ वेट करना, चलो देखते हैं बाकी क्या होता है, जैसे भी सिचुएशन होगी मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो खैर ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो भी बात होगी तो अभी जाने नहीं दे सकते हम आपको, क्योंकि 9 बजे करीब रोड खोलेंगे कि लैंड स्लाइड वगैरह तो नहीं हुआ, उसके बाद जाने देंगे। गाइस, जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पर हमें रोका गया था जिस चेक पॉइंट पे, वहाँ से हम निकल गए, हम दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मंसर लेक के, एक रास्ता कटता है, मंसर लेक से एक रास्ता कटता है, उस वाले रास्ते से हम जा रहे हैं। पेट्रोल ले आ गया। ठीक है, और आप अगर इस रोड पे आते हो, ठीक है, यहाँ से अगर श्रीनगर के लिए बोलते हो आप, तो आप बोलना हमें कटरा जाना है, वरना आपको तब निकलने देंगे, वरना आपको नहीं जाने देंगे। इन्होंने हमारे को बोला कि 9 बजे छोड़ेंगे और 9 बजे का भी कुछ पक्का नहीं था कि छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, इनके ऊपर वही डिपेंड नहीं था कि, तो रुक कर कोई फ़ायदा नहीं है, बढ़िया मंसर लेक निकलते हैं और वहाँ से रास्ता कटता जो वहाँ से चलते हैं, जब हम बाइक से आते हैं बुलेट्स वगैरह से तो वहाँ से जाते हैं। ये देखो लेक क्या मस्त लग रहा है ना, एक तो मौसम इतना खतरनाक, ऊपर से इतना रात, लेक तगड़ा व्यू, तगड़ा व्यू, तगड़ा एकदम खतरनाक लेवल का। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं तावी ब्रिज पर। आप लोकेशन चेकआउट कीजिए, वहाँ से जो मैं आपको बताता था मंसर लेक का, वहाँ से हम निकल करके आ गए हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं उससे। तो देखो, दिखाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। ये देखो, ये ऊपर से मेरे ख्याल से रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, रेलवे ब्रिज है, ये ऊपर रेलवे ब्रिज जा रहा है। गाइस, इस साइड हम पहुंचे थे उधमपुर की साइड और यहाँ पर लगा हुआ बहुत तगड़े वाला जाम, इतना तगड़े वाला जाम लगा हुआ है कि यहाँ पर अगर क्लियर ना हो पाए ना तो लोग बोल रहे हैं कि 2-2 दिन का जाम फंसने वाला है। आप पीछे देखो, गाड़ी पीछे एक दूसरे के साथ ब्लॉक हो जाएगी यहाँ से वहाँ, मतलब बहुत तगड़े वाला जाम लगा हुआ है, इस लेवल का जाम लगा हुआ है ना कि 2-2 दिन का जाम चल रहा है आगे, ये आपका रामबन तक जाम फंसा हुआ है उधमपुर से। तो ये लोग वही कह रहे हैं कि आप लोग कोऑपरेट करें, थोड़ा सा अपनी गाड़ी वगैरह साइड लगा दें और साइड में लगा के खड़े हो जाएं ताकि हम पीछे वाला ट्रैफिक छोड़ सकें और आगे वाले थोड़ा देर में छोड़ें ताकि स्टेबल हो जाए कंडीशन। बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो गाइज, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कि ट्रैफिक में फंसे हैं हम लोग, हमारे को रोका हुआ है, वो उस ट्रैफिक से हम 2.5-3 घंटे में जाके फ्री में हमारे को अब छोड़ा गया,
अभी भी पता नहीं, कह रहे हैं कि आगे जाके रुकवाएंगे, अभी कुछ भरोसा भी नहीं रुकवा लें या क्या है। अभी बज रहे हैं 11:20 और हम वहाँ पर पहुँच गए थे 8:30-9 बजे के अराउंड, हम खड़े हुए थे वहाँ पर एग्जैक्टली जो भी था वो, क्या तो क्या नाम था, जठेली, जठेली नाम की जगह थी वहाँ पर रोका हुआ था, और अब जा करके छोड़ा हुआ है। ये देखो आप, देखो यहाँ चनानी टनल आने वाली है। मतलब ये है, एक तो गर्मी बहुत जबरदस्त हो चुकी है और ऊपर से बुरा हाल हो गया था खड़े खड़े भाई। बाकी अगर कहीं रुकवाते तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। रास्ता देखो आप लोग, चनानी टनल से पहले का, मतलब पहुंचने का पहले का सारा रास्ता खराब हो रखा है, इसलिए उन लोगों ने बंद कर रखा था। पूरा कीचड़ कीचड़ सारी जगह कीचड़ हो रखी है भाई। और सामने का व्यू देखो आप, नीचे गंदा है तो ऊपर बढ़िया है। अब जाए तो जाएगा, नीचे लगा है जाम, नीचे लगा जाम, ऊपर लगा आम। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चनानी टनल, और देखो चनानी टनल का रास्ता आ चुका है। अब हम टनल में एंटर होने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, शायद टोल रोड है ये तो, और मेरे ख्याल से टोल बूथ भी आएगा, मे भी शायद टोल हटा रखा है या पता नहीं, नहीं टोल प्लाजा आ गया 500 मीटर अहेड ये लिखा हुआ। एक रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है, एक मैं कर रहा हूँ, बाकी जब स्टार्ट होगा मैं तब दिखाता हूँ आपको। टोल प्लाजा, टोल प्लाजा, ₹70 का टोल है इस पर, खुल गया भाई अपना फास्टैग चल गया और हो गया था पेड। और हमारे सामने है चनानी टनल, फाइनली 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 चनानी टनल के अंदर में आपका और हमारा भी साथ में स्वागत है। देख पोल्यूशन देखो, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है इसके अंदर। टनल हो चुकी है खत्म, ये देखो आ गया उजाला, और उसे 1 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के अराउंड ये पूरी टनल है। अब इसके बाद आने वाली है जोहा टनल, उत्तरी का, बहुत ज्यादा उजाला हो गया एकदम से। ठीक है, अब यहाँ से बाद हमें क्रॉस करना पड़ेगा जोहा टनल, लेकिन उससे पहले हम कुछ पेट पूजा करेंगे यार। सुबह से चले हुए हैं, नाश्ता भी नहीं करा, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा। हम सोच रहे थे कि गाड़ी में जल्दी निकलेंगे, हम रहता तो जिनके पास हमने अपना होटल वगैरह बुक किया आगे, वो लोग बोलते कि आप जल्दी निकलोगे ना तो आ जाओगे, ट्रैफिक से बच जाओगे, लेकिन हमारा तो उल्टा ही होगा, जल्दी निकलने में भी हम टाइम वेस्ट हो गया और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो घर निकल ही गया वहाँ से, अब आगे चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। सो हमने अब टनल पार करने के बाद हम थोड़ा सा रुके हैं राजमा चावल खाने के, यहाँ के फेमस है खजूरिया वैष्णो ढाबा, जो यहाँ की स्पेशलिटी है राजमा चावल देसी घी वाले। ये हमारे राजमा चावल जो यहाँ की स्पेशलिटी है चेन्नई टनल क्रॉस करने के बाद। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है। लेट मी ट्राई फर्स्ट,
पैसे के हिसाब से कर दूंगा आपको। कितने की प्लेट? अच्छा है, जो भी अच्छा है। चलो मैं खा के मिलता हूँ खाना, क्योंकि गाड़ी में ही सर्विंग हो रही है, तो मैं खा के मिलता हूँ। हमारा खाना पीना हो गया और हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। और ये देखो रोड कैसे इतने बुरी तरीके से खराब है। मतलब ये ऐसा हाईवे जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। सारा खाना जो खाया था सब पच चुका है, वो सब पच गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट रोड है। अब ये जवाहर टनल तक ऐसे ही रहने वाला है, कभी टूटा जाएगा, कभी कच्चा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा, ये चलता रहेगा। जब बाइक पर आते रहो तो हमारी जैकेट पे ऐसी ब्लैक लेकर आते हैं और वाइट जैकेट हो जाती है, मतलब थोक के रहना पाउडर लग लग के वाइट हो जाता था। ऐसे ही कल हमें जो जिला पर भी यही हाल मिलने वाला है, धूल मिट्टी से भरा हुआ पूरा पूरा। कीचड़ होगी तो फिर तो धूल उड़ने का मतलब नहीं बनता, लेकिन जब कीचड़ नहीं होगा तो धूल उड़ेगा। एक होती है फोग जो आगे कुछ दिखाई नहीं देता, एक होती है मिट्टी, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। इतनी इतनी तगड़ी वाली उड़ रही है, वाह मौज करती बेटे। भाई साहब चनानी टनल के बाद ना ऑफ रोडिंग कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का चल रहा है हमारा। गाड़ी का एक एक अंजर पंजर का साउंड सुनाई दे रहा है, गलत ही सीन चल रहा है बहुत ज़्यादा। हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक है, बस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी तक तो रोड खराब थी, अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक श्रीनगर पहुँचना बहुत डिफिकल्ट फील हो रहा है आज तो। भाई पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक चल रहा है, मतलब श्रीनगर जाने वाले रास्ते पे। अभी तो फिलहाल खैर हम जवाहर टनल एंटर कर गए, लेकिन जम्मू से श्रीनगर वाला रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में चल रहा है। एक तो रोड की हालत खस्ता है और दूसरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। क्या कह रही हूँ, अभी बीच बीच में बहुत सारी जगह ट्रैफिक लगा हुआ था, वहाँ पर भी रुके हुए थे। कहीं आधा घंटा लग रहा है तो कहीं 10 मिनट लग रहे हैं। अब तो जवाहर टनल पार हो जाएगी फिर तो ठीक है, फिर रोड ठीक हो जाएगा और फिर मतलब सही जाएगा। फिर तो फिर प्लेन आएगा, फिर तो प्लेन पे खींची चली जाएगी गाड़ी। अभी तो कुछ ऐसा सीन है बाहर का जवाहर टनल का। जोहार टनल हो गई हमारी क्रॉस और हम आ चुके हैं बाहर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ और ये करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की लंबी टनल है। पहले सबसे बड़ी लंबी टनल हुआ करती थी, फिर उसके बाद चनानी नसरी टनल है, ठीक है। और इस टनल में ये पहले सबसे पहले टनल हुआ करती थी ना, इसके बाद मौसम चेंज हो जाता था। अब पता नहीं, अब बाहर जब गाड़ी उतरेंगे तब पता लगेगा कैसा मौसम है, अभी भी गर्मी है क्या है। सो फाइनली गाइस वी हैव एंटर्ड इन कश्मीर वैली। ये जो जोहार टनल है उसके बाद कश्मीर वैली चालू हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बाहर ठंडा मौसम हो जाता है, तो सही बात है, बाहर ठंडा मौसम हो गया। मैंने अभी विंडो खोल के देख लिया, वो तो एकदम ठंडा मौसम हो गया, चिल्ड तो नहीं लेकिन ठंडा हो गया। जो पहले से चलते आ रहे थे ना उससे ज़्यादा फार मच बेटर हो चुका है अब मौसम। अब आएगा ना मज़ा। दिख रहा है मेरे पीछे कुछ, कश्मीर का टाइटेनिक व्यू पॉइंट है ये, मतलब यहाँ से कश्मीर वैली दिखाई देती है। वो देखो नीचे, अभी मैं आपको उसके दर्शन 360 में दिखाऊंगा। देखो आप सभी
हेयर भी आ रहा है अनंतनाग। आप एक बार व्यूज देखो, क्या मस्त मस्त आ रहे हैं, एकदम जबरदस्त वाले। भाई तो मैं खैर ड्राइविंग कर रहा हूँ, हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। अभी बचा हुआ कुछ करीबन 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाए श्रीनगर। बक्सो की हम शिकारा में रुके आज, अब बाकी देखते हैं। आप व्यूज देखो, क्या जबरदस्त व्यू है एकदम। ऐसी फीलिंग आ रही है हम कहीं बाहर कंट्री में हो, लेकिन ये जो है हमारे कश्मीर का पुलवामा है, वही पुलवामा जो अटैक हुआ था हमारे आर्मी जवानों पर। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है ये, और आप लोग व्यूज चेकआउट करो। मस्त लोकेशन है, मतलब हेवन ऑन अर्थ। मजा आ गया, पैसा वसूल लोकेशन। डल लेक, अभी हम रुके थे पेट्रोल फुल करवाने के लिए, देखते तो अभी वहीं पर डलवाया था कल पंजाब के आसपास। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आता तेल और कितना नहीं। वैसे तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा अराउंड 35 लीटर के अराउंड आना चाहिए, क्योंकि खाली है 1/3 टैंक पूरा खाली। सो फाइनली गाइस वी आर हियर एट डल लेक। एक्चुअली गाइस यहाँ पर सैटरडे संडे वीकेंड पर कर्फ्यू होता है, जो आप डल लेक वाली रोड देख रहे हैं ना, ये पूरी बंद की हुई थी लोकल पुलिस ने। एक्चुअली ये इस रोड की जो स्टार्टिंग है, जो जोड़ती है इस रास्ते को, वहाँ पर एकदम कॉर्नर पर ये टूटा हुआ था, मतलब ख़राब था, और दूसरा हम इसमें फंसे हुए थे। चलो यार अब तक अपने भी हमारा हाउस बोट है, मैं भी दिखाता हूँ अंदर से हमारे रूम्स वगैरह। इसकी एंट्रेंस कुछ ऐसी है, अंदर चलते हैं। ये इनका ड्राइंग रूम है, और इस बोट हाउस में दो ही रूम है, जो कि दोनों हमारी। ये हमारा रूम है, एक रूम ये है, ये है वॉशरूम, दूसरा रूम ये है भाई, ये इसका वॉशरूम। तो भाई आपने देखा हमारा रूम, मतलब दो रूम्स है। अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, और इस लोग को यहीं एंड करते हैं। आज का दिन यहीं कंप्लीट होता है, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।